मैं निरजोत पल पल में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम आपके साथ डेली अपने विचार शेयर करते हैं, या जैसा कि मैं आपके साथ डेली क्लास लगाती हूँ कि प्री नर्सरी के बच्चों को कैसे लिखना सिखाएं, इतने छोटे बच्चे को हम कैसे लिखना सिखाएं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड होता है, तो उसको कैसे लिखना सिखाएं। तो हमने अब तक बच्चे को कर्व और स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और राइट स्लैंटिंग लाइन लिखनी सिखाई। तो आज हम बच्चे को फर्स्ट वर्ड लिखना सिखाएंगे कि अ अनार पूरी तरह से बच्चा कैसे लिख पाए और ए फॉर एप्पल पूरी तरह से कैसे लिखना सीख लेगा। तो आए आज की क्लास, आइए शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमने आपको ये थ्री की शेप बनानी सिखाई थी, अ अनार से पहले बच्चे को हम थ्री की शेप बनानी सिखाएंगे फोर डॉट्स के ऊपर। फोर डॉट्स के ऊपर हमने बच्चे को ये शेप बनानी सिखाई थी इस तरह से, ये। तो आइए अब अ अनार सिखाना सिखाते हैं कि बच्चा अ अनार कैसे बनाए। इसके लिए पहले ये फोर डॉट्स लगाएंगे और फिर वन के लिए टू डॉट्स। फोर डॉट्स के ऊपर वैसे ही बच्चा थ्री बनाएगा जैसा कि हमने कल आपको सिखाया था। इसके बाद वन बनाना है और बीच में से इसको ज्वाइंट करना है इस तरह से, ये अ अनार की शेप बन जाएगी इस तरह से। बच्चे को कहना है कि पहले हाफ सर्कल, देन अगेन हाफ सर्कल, यहाँ तक वन एंड ज्वाइन इट। इस तरह से बच्चा इजीली अ अनार की शेप बनानी सीख जाता है। तो इस तरह से बच्चे को आप वर्क दें तो वो अपने आप अ अनार बनाना सीख जाएगा। इस तरह से पूरे पेज पर आप बच्चे को डॉट्स लगा के दे सकते हैं और बच्चा अपने आप अ अनार बना के आप, जैसा कि कल हमने आपको टू बनाना सिखाया, टू किस तरह से बच्चे ने बनाया उसको थ्री डॉट्स के ऊपर, पहले हाफ सर्कल देन स्लीपिंग लाइन, थ्री डॉट्स के ऊपर हमने आपको टू बनाना सिखाया। तो आज थ्री बनाना सीखा, थ्री बच्चे ने पहले अ अनार में भी सीखा है इसलिए उसे दिक्कत नहीं आएगी। थ्री डॉट्स के ऊपर, उसमें अ अनार में हम फोर डॉट्स बनाते थे क्योंकि उसकी शेप इस तरह में होती है कि आगे तक लेके जाना होता है, लेकिन इसमें बच्चा थ्री डॉट्स के ऊपर थ्री बनाएगा, इसको आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से थ्री 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 डॉट्स के ऊपर बच्चे को थ्री बनाना सिखाएंगे इस तरह से, हाफ सर्कल देन अगेन हाफ सर्कल, इस तरह से बच्चे को आप पूरा पेज दें थ्री बनाने के लिए। थ्री की शेप बच्चे ने जैसे पीछे भी बनाई है तो उसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि बच्चे ने पहले लेफ्ट स्लैंटिंग और राइट स्लैंटिंग सीख चुका है, तो अब बच्चे को लेफ्ट और राइट स्लैंटिंग सीखने के बाद ए फॉर एप्पल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ए फॉर एप्पल में लेफ्ट और राइट स्लैंटिंग ही आती है मेन। इस तरह से लेफ्ट स्लैंटिंग राइट स्लैंटिंग देन जॉइन इट, पहले ऊपर एक डॉट लगाएंगे और नीचे दो डॉट। इस तरह से बच्चे को कहना है कि इसको डॉट से लेकर डॉट तक जोड़ना है, फिर बीच में से इसको इस तरह से काटना है। इसके लिए भी बच्चे को पूरे पेज पर हम डॉट्स लगा कर देंगे, थ्री थ्री डॉट्स लगाने की ज़रूरत होती है। ए फॉर एप्पल में बच्चे को थ्री डॉट्स लगा के देने होते हैं, इससे बच्चा इजीली ए फॉर एप्पल की शेप बना पाएगा। तो जुड़े रहें हमारे साथ, कल फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।